हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। आईपीएल जा चुका है, टीवी इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत देखने को मिलने वाली है। कोई कह रहा है किसी चैनल पे 80% रिवैम्प होगा, तो कोई कह रहा है किसी चैनल पे 60% रिवैम्प होगा। काफ़ी रिवैम्प होने की तैयारियाँ चल रही हैं, काफ़ी स्लॉट खाली है, तो काफ़ी स्लॉट की बड़ी डिमांड हो रही है। उन्हीं के बीच में कलर्स पे आपको काफ़ी लीप के प्रोमो मिल रहे हैं, जो कि शो खतरे में है उन्हें लीप देकर बचाने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे वो उड़ारियन हो, सुहागन हो, डोरी हो, उसी के बीच में अब न्यूज़ आई है परिणीति। परिणीति में सेट तैयार हो रहा है और आपको लीप का प्रोमो अचानक से ही मिलेगा, जैसे कि आपको सुहागन का मिला। ऐसे में परिणीति भी जो है खतरे में है, इसीलिए परिणीति को संभालने के लिए जो है लीप दिया जा रहा है। ये परिणीति का पहला लीप होगा, या ये कहें कि अब देखते हैं स्टोरी क्या होगी। अभी तो एक प्रोमो सामने आया ही था, अब दोनों सहेलियां जो है दोनों तरफ से नेगेटिव नज़र आएंगी। उसी के बीच में फैंस को स्टोरी धीरे धीरे पसंद आनी शुरू हुई है कि अब लीप आने वाला है। अब लीप कितने साल का होगा ये कहना मुश्किल है, 5 साल का होगा, 7 साल का होगा, या जनरेशन लीप होगा। ऐसे में क्योंकि सुहागन में भी पहला लीप जनरेशन लीप का ही आया है, या फिर कहें उड़ारियन में हम लगातार जनरेशन लीप देख रहे हैं। ऐसे में परिणीति का लीप मुझे लगता है 5 से 7 साल का होना चाहिए, क्योंकि जो है इनकी जो बदले की आग है वो ये 5 से 7 साल में कहानी को बदल कर लेंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनते हैं।